ईश्वर कैसा है? निराकार है। उसका एक कॉमन एलिमेंट पकड़ो तो निराकार है, तुम उसको आकार में ढूंढते हो। ओके, तो हमें ये समझना है कि ईश्वर निराकार में है, तो निराकार एलिमेंट क्या है उसको पकड़े एक, और तुम्हारे अंदर निराकार क्या है उसको खोजो, और दोनों को मिला दो। कल्पना जो होती है, जिसे आप मन से कल्पना करते हो, वो भी आकार तो है, वहां तुम देखते हो, वो आकार है, तो वो ईश्वर नहीं, ईश्वर का एलिमेंट नहीं है, दैट इज अ कल्पना। बहुत समझने जैसी वस्तु बताओ, तुम्हारे अंतर में जो तुम जब कल्पना करते हो और जो दृश्य दिखाई देता है, मेरा प्रश्न के जवाब दो, वो कौन सी आंख है? और उसको देखने के लिए तुम्हें ये आंखें बंद करनी पड़ती है, फिर तुम देखते हो। मेरी बात समझ में आती है कि जब आप अपनी आंखें बंद करते हो, फिर कुछ दृश्य ऊपर दिखाई देते हैं, वो कौन सी आंख, वो तुम कैसे देख सकते हो? और कभी कभी तुम वहां ऑर्डर देकर कल्पना में चित्र घुमा भी सकते हो, वो कौन सा तरीका? समझने की बात बताता हूं, एक्सरसाइज करना इसके ऊपर। वहां तुम 200 उद्योग में चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, जॉगिंग कर रहा हूं, तुम खुद को ही रिवर्स भी कर सकते हो, ऐसे रिवर्स में वापिस रिवर्स जॉगिंग करता हूं दिखा, तुम खुद को देख सकते हो, वो कौन सा चलचित्र है, वो कौन सा पर्दा है, वो वहाँ कौन सा प्रोजेक्टर है, वो वहाँ कौन सा सीडी प्लेयर है, खुद को पूछो। पर ये जो तुम देख रहे हो वो भी आकार में है, मैं निराकार की बात कर रहा हूं। इसलिए वो जो दिखाई दे रहा है तुम्हारे अंतर पटल के ऊपर, वो ईश्वर नहीं है। जेती मन की कल्पना काल कहावे सो, ये मन का चलचित्र है। इस मन के चलचित्र को निकाल कर उस पर्दे को फाड़ना पड़ेगा, फिर तुम कहोगे फटा पोस्टर और निकला हीरो। उसको फाड़ना पड़ेगा। दरअसल बड़े 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 जो ज्ञानी होते वो यही थाप खा जाते कि वो कल्पना में कि बस भगवान आए मेरे पास बैठे, उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ रख दिया, फिर वो तुमको ऐसे बहुत प्यार से गले लगा कर कहेंगे तू बिल्कुल चिंता मत कर, तूने काम वाले के पैसे कम दिए, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं। तुम्हारी ही कल्पना है, कल्पना में तुम जो चाहो सो कर सकते हो, तुम कल्पना में तुम दानेश्वरी भी बन सकते हो, तुम करोड़ों रुपए का भी दान कर सकते हो। कल्पना, वो कल्पना जो जगत है उसको कल्पना जगत कहा गया है, सत्य जगत नहीं, कल्पना जगत। कल्पना से हकीकत अलग है। तो मतलब ये भी आकार और बाहर भी आकार, अंदर भी आकार, तो कहते हैं वो आकार है निराकार नहीं, ये प्रमेय साबित होता है।